हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हो, मैंने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है वाटर, उसका एक लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी पार्ट ए के जो बाकी की थ्योरी रह गई थी उसको डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके बाद आपकी जो थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है बेटा जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को डालकर उसको मिक्स करते हैं, तो उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बेटा इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर सॉलिड भी मिक्स कर सकते हो, अगर आप चाहें तो इसके अंदर गैस भी मिक्स कर सकते हो, लिक्विड तो बेटा आपका आसानी से मिक्स हो ही जाता है। तो एक बात आपको बेटा मैं पहले कह दूं कि नेचर के अंदर ना प्योर पानी मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक पानी के अंदर बेटा कहीं पे कोई ना कोई सॉल्ट बेटा उसके अंदर मिक्स होगा, नहीं तो आपको वहां पे क्या कहते हैं उसके अंदर जो उसके गैसेस होंगी बेटा वो उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो हाँ, ये इसी वजह से बेटा, और इसके बेटा बहुत बेनिफिट्स भी हैं, वो हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, और प्योर पानी मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेबोरेटरी के अंदर जब इसको बनाते हैं तो उसको डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। कैसे करेंगे वो सारी बातें हम एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। अब सबसे पहले बड़ा सवाल यही आता है कि पानी के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी चीज हम डाले तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो बेटा बात यह है कि जो पानी है उसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। अब मन में आता है सर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, ये बताइए। देखिये बात सिंपल है कि मान लीजिए बेटा कि मेरे पास एक ग्लास पानी है, उसमें मैं नमक घोलता हूँ। नमक मतलब क्या होता है आपका, नमक मीन्स NaCl, सोडियम क्लोराइड में उसमें डालता हूँ, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हो बेटा सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपके पास आयंस होते हैं। ये पानी पता क्या करता है, पानी ना धीरे धीरे मेरा जो सोडियम आयन है और जो क्लोरीन आयन है उसके आसपास ऐसे स्क्रीनिंग कर देता है। स्क्रीनिंग करने से क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे से दूर होते हैं तो जैसे क्लोरीन आयन है उसको अच्छी तरह मेरे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो कवर कर लेंगे, और जो मेरा सोडियम आयन है उसको भी अच्छी तरह मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो कवर कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बेटा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये देख सकते हो, ये जो कलर है रेड कलर के जो आप देख रहे हो ये मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स है, और किस तरह से क्लोरीन को अलग किया हुआ बेटा, सोडियम को अलग किया हुआ इन्होंने। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा इसको डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो पानी का हाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स एक्ट करती है दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में उसको बेटा वीक करता है। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब कोई चीज हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो कितनी आसानी से कैसे घुल जाती है, राइट। तो ये इसके पीछे का कारण होता है। अब बेटा वो सब्सटेंस जो प्रॉपरली सोल्यूबल नहीं होते वो फिर भी बेटा डिजोल्व हो जाते हैं ट्रेसिस के फॉर्म में। एक बात आपको बता दूं बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास पानी है, तो आप मानेंगे कि जो ग्लास होता है ना बहुत स्मॉल अमाउंट में वो भी पानी के अंदर बेटा डिजोल्व हो जाता है। अगर इस बात को आपने समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास बेटा मान लीजिए एक फ्लास्क के अंदर मैं एक डिस्टिल्ड वाटर ले लूं, एंड आफ्टर सम टाइम इसको कभी मैं ध्यान से देखूं तो उसके अंदर बेटा इस तरह की जो इचिंग्स है वो दिखाई देती है सरफेस के ऊपर। ये इसलिए क्योंकि कुछ ग्लास भी आपका डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, तो इसलिए इसको एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब ये जानने के लिए कि सचमुच टैप वाटर के अंदर जो हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि एक बीकर के अंदर पानी, उसके नीचे हीट दी हुई है, ऊपर बेटा आपके पास एक डिश रखी हुई है और हमारे पास यहाँ पर पानी है, टैप वाटर है, राइट। सो होगा क्या, हम इसको तब तक मतलब इवेपोरेट करते हैं जब तक इसके पूरा पानी आपका खत्म नहीं हो जाता। जब बेटा आपका पूरा पानी बेटा जब खत्म होता है ना बेटा, उस टाइम क्या होगा ये ध्यान से देखना कि जैसे जैसे पानी इसमें से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे इसमें इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हो बेटा कैसे यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं, राइट, एक के बाद एक ऐसे
ये देखो कितने आराम से आप देख सकते हो कि कैसे आपके सर्कल्स बन रहे हैं, और क्योंकि वो जो डिश है बेटा बिल्कुल आपकी कर्व्ड सरफेस है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखाई देते हैं। ये फ्लैट सरफेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, बट आप फिर भी देख सकते हो कि लाइंस कैसे बन रही हैं, राइट। तो बेटा इस तरह से सब कुछ टेक प्लेस करता है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपको कहा कि ऑन लुकिंग एट द वॉच ग्लास अगेंस्ट लाइट अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ सॉलिड मैटर आर सीन, सो दीज आर द डिजोल्व सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वॉटर। तो जब पानी आपका इवेपोरेट हो जाता है तो आपको क्या मिलते हैं? इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या है, डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं बेटा आपके। तो अगर मैं बात करता हूं टैप वाटर की, अगर मैं बात करता हूं रिवर की, इवन अगर मैं बात करता हूं बेटा मेरे वेल की, वेल के पानी की, तो बेटा अगर मैं इनको इवेपोरेट करूं तो आपको दिखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। पता है रेन वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, ये दो ही ऐसे सोर्सेज है बेटा, अगर मैं इनको इवेपोरेट करूं तो कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म नहीं होंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि रेन वाटर प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर को तो हम ही बेटा बनाते हैं, प्योर फॉर्म होता है आपका। अब सवाल ये पता होता कि हमें इन जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है इनकी जरूरत क्या है बेटा। तो सबसे पहला बेटा देखो क्या है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको सॉल्ट्स और मिनरल दोनों चाहिए होते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? वो इसी पानी से मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आपने एक बात बड़ा अच्छी तरह समझनी है कि हमें हमारे पानी के अंदर जो टेस्ट मिलता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्ट किस मात्रा में उसके अंदर है या कौन सी गैस किस मात्रा में उसके अंदर डिजोल्व है। एक बार बता दूं, जो रेन वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है, अगर वो बिल्कुल बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, उसके अंदर कोई भी साल्ट जो है वो डिजोल्व नहीं होते, तो उनका कोई टेस्ट भी नहीं होता। सो इट एक्चुअली एड टेस्ट टू वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होते हैं? मिनरल्स। तो ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? इन्हीं पानी से मिलेगा। तो इसलिए ये जो पानी है हमें एसेंशियल जो मिनरल्स चाहिए बॉडी के लिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमने बात की उन सॉलिड्स की जो पानी के अंदर बेटा डिजोल्व था, अब हम बात करेंगे बेटा एयर की जो पानी के अंदर डिजोल्व है। अगर मैं पानी के अंदर बेटा जो गैसेस डिजोल्व है अगर उसके परसेंटेज के बारे में बात करूं, तो 66% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 33% आपको बेटा ऑक्सीजन मिलेगा, और 1% जो है बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही है बेटा जो ज्यादा डिजोल्व होता है मेरे इस पानी के अंदर, एंड इसी वजह से ये जो एक्वाटिक लाइफ टेक प्लेस करती है वो तभी पॉसिबल हो पाई, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली डिसोल्व हो पाता है आपके इस पानी के अंदर। अब ये जानने के लिए कि क्या सचमुच में टैप वाटर के अंदर डिजोल्व गैस होती है कि नहीं होती, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक राउंड फ्लास्क लिया गया, इसमें टैप वाटर डाला हुआ है, नीचे से इसको हीट करेंगे, यहां से जो वेपर्स होंगे बेटा इसके थ्रू होकर मैं यहां पे इसको जो इसके जितने भी वेपर्स है बेटा इसमें से पास करूंगा, क्योंकि ये ठंडा पानी है बेटा, जो पानी के वेपर्स होते हैं ना वाटर वेपर्स, वो तो साथ के साथ कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसलिए क्योंकि पानी के अंदर के जो गैसेस है ना बॉयल होने की वजह से वो इवेपोरेट हो गए और वो आपको इसके थ्रू दिखाई दे सकते हैं। करना क्या है आपने, ये जो गैस आपको दिख रही है इसको कलेक्ट कर लो, तो पता लग जाता है बड़ा कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इसके अंदर स्टोर था। सो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि गैस बबल्स आर सीन एस्केपिंग फ्रॉम वाटर, ये तो हम देख ही सकते हैं, और इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं बाय कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, उल्टा करके जो हमने रखा हुआ है, द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम इसको आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं बेटा जो प्रेजेंट है गैसेस के अंदर, वो सारे के सारे बेटा कंडेंस हो जाते हैं जैसे ही वो मेरे कोल्ड वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वाटर वेपर्स आपको नहीं मिलेंगे, जो मिलेगा वो प्योर आपको गैस ही मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि जो रिमेनिंग गैस बचती है, मतलब वाटर वेपर तो कंडेंस होगा, जो बाकी बचा बेटा ये वो गैस है जो हमारे एयर के अंदर जो हमारे वाटर के अंदर बेटा डिजोल्व होती है, ठीक है। और जैसे हम इसको बॉयल करते हैं वो साथ के साथ बेटा आपका एस्केप हो जाता है। दूसरा बेटा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर वो ये कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है अगर हम उसको ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर कलेक्ट करेंगे तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ और कौन सा बेटा कौन सा नहीं बट कितने अमाउंट ऑफ गैस जो है वो डिजोल्व था इस टैप वाटर के अंदर। दूसरा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, मतलब गैस कितना सोल्यूबल है उसके अंदर, वो इस बात से एक्सप्रेस किया जाता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिजोल्व था
मेरे पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज 0.02 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसे मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास है 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी के अंदर 0.02 जो मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन ने उसमें बेटा फिल की हुई, उस गैस उसके अंदर थी। तो ये बड़ा बात होती है, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये सब बड़ा बाकी आपको एग्जांपल्स दी हुई, यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो नोट क्या है बेटा, नोट पहला ये है कि जो गैस है जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है आप उसको इजिली एक्सपेल कर सकते हो जस्ट बाय बॉइलिंग द वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर जो है उनका कभी भी कोई टेस्ट नहीं होता, कभी कभी चेक करना, गर्म पानी पियोगे उसका कोई ज्यादा आपको जो टेस्ट है वो नहीं मिलता। जो भी प्लेजेंट टेस्ट आपको मिलता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व मैटर्स होते हैं, लाइक अगर एयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं बेटा, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, इसी की वजह से पानी को टेस्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने कहा था कि सॉलिड की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ के अंदर, उसी तरह जो एयर डिजोल्व होती है बेटा उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले बेटा ऑफकोर्स एक्वाटिक लाइफ के लिए, आप जानते हो बेटा कि जो मरीन लाइफ होती है लाइक फिश यूज द ऑक्सीजन किसके लिए, ताकि वो रेस्पिरेशन टेक प्लेस करे पानी के अंदर ही। और एक बार बता दूं कि 1 लीटर अगर आप पानी लेते हो उसमें 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होती है। वो इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब अपने थ्रू आउट लाइफ अपने आप को मजिंदा रखने के लिए, यू कैन से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं आपके पानी के अंदर उनके लाइफ के लिए भी डिजोल्व ये जो आपकी गैसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा बेटा, वही जो डिजोल्व होगा पानी के अंदर। तो आपको पता बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है तो वो ग्लूकोज बनाता है, एक ऐसा कंपाउंड जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, राइट। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चाहिए बेटा एक्वेटिक प्लांट के लिए भी, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, वो पानी से आपको मिलता है। इवन एक बात बता दूं आपको बेटा, कई जगह ऐसे भी होते हैं जहां पर नीचे की तरफ बेटा हमारे पास लाइमस्टोन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना मेरे पानी के अंदर वो इन्हीं लाइमस्टोन के साथ बेटा रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने से बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब आप बोलेंगे मुझे क्या करना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बेटा आपको तो नहीं करना, बट मेरीन जो आपके ऑर्गेनिज्म जैसे स्नेल्स हो गया, ऑयस्टर्स हो गए, ठीक है, वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, ताकि वो अपने शेल्स को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सके। तो अपने शेल्स को बिल्ड करने के लिए उनको चाहिए होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कहाँ से मिलता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से मिलता है, जो मेरे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना पानी के अंदर उससे रिएक्ट होकर बना होता है, लाइमस्टोन से रिएक्ट होकर बना होता है। सो आप समझ सकते हो बेटा किस तरह से सॉलिड डिजोल्व इन वाटर या एयर डिजोल्व इन वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने ये स्टडी किया कि पानी एक बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है, उसको एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर आप चाहें तो उसमें आसानी से डिजोल्व कर सकते हो। उसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है और इसी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वजह से ये आसानी से चीजों को अपने अंदर मिक्सअप कर पाता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंस है बेटा गैस की हमारे पानी के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है डिजोल्व सॉल्ट्स की हमारे पानी के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।